उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में फतह हासिल करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने 15 अगस्त के बाद अलग अलग जिलों का दौरा करके बीजेपी को जिताने की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। उन्होंने जिलों में रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को साधने का जरिया बनाया है, तो विकास की सौगात देकर लोगों की नाराजगी को दूर करने का दाव भी चल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस मिशन में एक्टिव नजर आ रहे हैं, अपने जनता को हर हाल में अपने काम से खुश करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। लोकसभा में मिली झटके के बाद बीजेपी किसी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है, लेकिन वहीं देखा जाए तो इस तैयारी को देखकर विपक्ष बौखला सा गया है। यानी वार और पलटवार का खेल लगातार चल रहा है। तो क्या है सीएम योगी की तैयारी और कैसे इस पर विपक्ष निशाना साध रहा है, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। सीएम योगी ने 15 अगस्त के बाद से अलग अलग जिलों का दौरा करके बीजेपी को जिताने का मंत्र लिखना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में ही लगा था, जिसके बाद अब सभी की निगाहें उपचुनाव पर लगी हुई है। सूबे की 10 सीट पर होने वाला उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख का सवाल बन चुका है। यही वजह है कि उन्होंने उपचुनाव वाले जिलों का दौरा करके बीजेपी के लिए सियासी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। इसके लिए सीएम योगी विकास, रोजगार और संवाद के जरिए उपचुनाव की राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। ऐसे में देखना है कि उपचुनाव में बीजेपी का ये दांव कितना कारगर साबित होगा। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें मीरापुर, गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर, करहल, कुंदरकी, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटहरी, मांझवा और सीसामऊ सीटें शामिल हैं। इनमें 9 सीटें 2024 में विधायकों के लोकसभा के सांसद चुने जाने से खाली हुई थी, जबकि सीसामऊ की अगर बात करें तो सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के चलते खाली हो गई। 2022 के चुनाव में इनमें से 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी तो 5 सीटें सपा के पास थी। इसके अलावा RLD और निषाद पार्टी की 1-1 विधायक थे। उपचुनाव का मिशन शुरू। बीजेपी की रणनीति उपचुनाव में अपनी 3 सीट को बचाने के साथ साथ सपा के दबदबे वाली सीट जीतकर 2024 के लोकसभा में मिली हार के हिसाब को बराबर करने की है। इन 10 सीटों को लेकर बीजेपी की चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 6 सीटों पर सपा से कम वोट मिले थे। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसके चलते सीएम योगी ने जमीन पर उतरकर सियासी माहौल बनाने का मिशन शुरू कर दिया है। सीएम योगी कर रहे हैं दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अगस्त के बाद से अलग अलग जिलों का दौरा करके बीजेपी को जिताने की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। जिलों में रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को साधने का जरिया बनाया है, तो विकास की सौगात देकर लोगों की नाराजगी को दूर करने का दाव मुख्यमंत्री चल रहे हैं। सीएम योगी ने 17 अगस्त को अंबेडकर नगर जिले से अपने दौरे का आगाज किया था। इसके बाद उन्होंने 18 अगस्त को अयोध्या, 22 अगस्त को मुजफ्फरनगर, 23 अगस्त को गाजियाबाद, 27 अगस्त को मैनपुरी, 28 अगस्त को अलीगढ़ और आखिरी 29 अगस्त को कानपुर का दौरा किया। लेकिन आगे भी उनके दौरे तैयार हैं। 2 सितंबर को मुरादाबाद और 3 सितंबर को फूलपुर का दौरा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उन्हीं जिलों का दौरा कर रहे हैं और रोजगार मेला लगा रहे हैं जहां की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सीएम योगी ने इन जिलों में रोजगार मेला लगाकर युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। 5,000 से लेकर 17,000 युवाओं को हर जिले में ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा सीएम योगी जिन जिलों का दौरा कर रहे हैं वहां पर वो विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर रहे हैं। साथ ही लाभार्थी परक योजनाओं के प्रमाण पत्र और छात्रों को टैबलेट का वितरण भी कर रहे हैं।
विकास रोजगार का दाव। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी रोजगार मेले और सीएम योगी के दौरे वाले फॉर्मूले से सियासी पासा पलटने की पूरी तैयारी में है। बीजेपी के लिए उपचुनाव साख का सवाल बन चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिस तरीके से नुकसान का सामना करना पड़ा था और इसका कारण रोजगार का मुद्दा था, युवाओं की नाराजगी बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह बन गई थी। इसी के चलते सीएम योगी ने युवाओं को साधने के लिए रोजगार मेले को आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस तरह से सीएम योगी उपचुनाव वाले जिलों में रोजगार मेला लगाकर सिर्फ नियुक्ति पत्र ही वितरित नहीं कर रहे बल्कि विकास और संवाद का भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस सपा पर साधा निशाना। सीएम योगी जिन जिलों का दौरा कर रहे हैं वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सपा से लेकर कांग्रेस तक रह रही है। इतना ही नहीं, हिंदुत्व एजेंडे को भी सियासी धार देने में जुटे हुए हैं। जातियों में बिखरे हिंदू वोटों को एकजुट करने का भी जिक्र कर रहे हैं। सीएम योगी जिस भी जिले में जा रहे हैं वहां उपचुनाव वाली सीटों के नेताओं के साथ मुलाकात कर संवाद भी कर रहे हैं। इस तरह सीएम योगी पूरी तरह उपचुनाव के लिए एक्टिव मोड में है। उपचुनाव के लिए बीजेपी एक्टिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 10 सीटों पर जीत की कमान खुद संभाली है। संगठन स्तर पर समीकरण सेट करने के साथ साथ योगी शासन स्तर पर भी बिसात बिछा रहे हैं। इन 10 सीटों में से 5 सीटें ऐसी हैं जो सपा की मजबूत सीटें मानी जाती हैं। करहल, कुंदरकी, कटहरी, मिल्कीपुर और सीसामऊ सीटें बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। इतना ही नहीं, मांझवा, मीरापुर और फूलपुर सीट भी बीजेपी के लिए आसान नहीं दिख रही है। लेकिन इसके लिए भी सीएम योगी पूरी तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दो दो विधानसभा सीटों का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को भी मोर्चा पर लगा रखा है। देखना है कि बीजेपी कैसे उपचुनाव का जंग को फतेह करती है। अखिलेश यादव ने कसा तंज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को बीजेपी पर तंज कसा है। सपा नेता ने संविधान, आरक्षण और जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सपा सांसद ने बीजेपी को जन विरोधी बताते हुए कहा है कि वे अपनों का ही सगा नहीं है तो जनता का क्या होगा। सपा नेता अखिलेश यादव का इशारा हाल ही में जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर था, जहां बीजेपी ने मंडी से सांसद के बयानों से किनारा कर लिया। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी ऐसी बातें सीधे कहने की बजाय अपने दस मुखियों से करवाती है और जब जन विरोध बढ़ता है तो मोहरे बने बेचारे से पल्ला झाड़ लेती है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी अपनों की ही सगी नहीं है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि बीजेपी जिस तरीके से संविधान की बदलने की बात कहकर आरक्षण को अप्रत्यक्ष रूप से नकारती है, उसी तरीके से समाज विभाजन की बात कहकर जातीय जनगणना को नकारती है। उन्होंने आगे कहा कि जन विरोधी बीजेपी ऐसी बातें सीधे कहने की बजाय अपने दस मुखियों से करवाती है और जब जन विरोध बढ़ता है तो बेशर्मी से वापस लेने की बात भी करती है और मोहरे बने बेचारों से पल्ला झाड़ लेती है। ऐसे में वो बेचारे जनता का आक्रोश झेलने के लिए मुंह ताकते रह जाते हैं, बेसहारे हैं वे। बीजेपी अपनों की ही सगी नहीं है, जनता की क्या होगी। अलीगढ़ के खैर वाले कह रहे हैं इस बार बीजेपी की खैर नहीं। इसके अलावा सपा प्रमुख ने कहा कि अलीगढ़ के खैर वाले कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की खैर नहीं। उत्तर प्रदेश में कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, इसमें अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भी शामिल है। उपचुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बीजेपी जहां उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हुए खराब प्रदर्शन से उबरना चाहती है तो वहीं सपा अपनी लय बरकरार रखने की तैयारी में जुटी हुई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले उपचुनाव में इस उथल पुथल में शिकस्त किसकी होती है और जीत किसको मिलती है। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।